Pena, Ali Janab, Dr. Zabiuddin Saab. Sabri Jansa, Moses, Araki, Adobo Mizan, Nawab, Hawati, Hazra, Assalamu Alaikum. आज की यह महफिल गो के खुशदिलान की मिजाह की महफिल होते हुए एक तरह से सौगवार महफिल सी लगती है, क्योंकि अंजुमन के बानी, इस अंजुमन मिजाहिया अंजुमन के बानी अजीमुद्दीन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे डॉक्टर राही फिदाई का शेर इस मौके पर गोश गुजार करना जरूरी समझती हूँ या चाहती हूँ। नहुशे पा है बाकी, नहुशे पा है बाकी, अर्ज दिल पर बजाहिर हमसे गायब हो गए हो। बजाहिर इंसान इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके कारनामे, उसकी नेकियां, उसके हालात हमारे सामने किताब की सूरत में मौजूद होते हैं। वो के शायर कहता है, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। आज ऐसी ही याद मनाने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अपने आप में बड़े ही पापड़ बेलने जैसा काम है। देखिए, तारीख का जायजा लें, फसे या फिर अदब से था, जैसे आप अली आदिल शाह को लीजिए, उसको सिर्फ पूरी अली आदिल शाही तारीख में इसलिए याद किया जाता है कि उसका ताल्लुक अदब से था, शायरी से था, फन से था, मुसव्विरी से था। यही हाल कुतुब शाह का लीजिए, कुतुब शाह को इसलिए याद रखा जाता है कि वो बजाते खुद शायर था, और ऐसे ही बेलाउस खिदमत की है हमारे अजीम साहब ने। तो मैं अल्लाह के बारगाह में उनकी मगफिरत की दुआ करते हुए आज के दिन जो ये काम इन्होंने किया है जराफत का, उनके लिए भी मुबारकबादी देते हुए मैं आज इस पर कहती हूँ। सबसे पहले तो ये इस पर शुमारा, ये खुद इसका कलर और गेटअप ये जाहिर कर रहा है कि क्योंकि हमारी शख्सियतों के साथ हमारी जबान के धारे को, अदब के धारे को बाकी रखने के लिए इन शख्सियतों का बाकी रखना, उन पर खाके लिखना, मजामीन लिखना, उनके रसायल के नंबर जारी करना भी जरूरी है, वरना तारीफ ये भी मिटा देंगे। आज हम जिन हालात से समाजी गुजर रहे हैं उसके तई अपने आप को, अपने तशख्स को, चाहे वो मिली हो, तारीखी हो, तहजीबी हो, अदबी हो, बाकी रखना हम में से हर एक का फर्ज बन जाता है और इस फर्ज को निभाया है। लेकिन यहाँ पर बहुत कम मुझे लगा कि प्रूफ रीडिंग की जो खामियां होती हैं बहुत कम है। उमूमन आप किसी भी अखबार का एक सफा पढ़िए, आपको लगेगा, अगर आप खत कशीदा करने के आदि हैं तो आपको लगेगा कि आप अंडरलाइन करते जाएंगे गलतियों पर, इमले की गलतियों पर, जो गलतियां बजाहिर नहीं होती, सिर्फ प्रूफ रीडिंग की गलतियां होती हैं। ऐसी बहुत कम गलतियां इसमें हैं। इसके लिए मैं किशोर साहब और इसके जिन्होंने भी इसे एडिट किया है उन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगी। दूसरी चीज जो मुझे महसूस हुई वो ये कि ये शुमारा, शुमारा नंबर 6 और जिल्द नंबर 1 इस पर लिखा हुआ है, ये पुराने पुराने जो रसायल शायर हुए गो के उसी का एक हिस्सा होते हुए फिर यहाँ से एक नई तारीख मुरतब करने का जरिया भी है। अगर आप चाहें तो, ये लोग चाहें तो इस पर जिल्द 1 और शुमारा 1 होना चाहिए, जबकि जिल्द 1 और शुमारा 6 लिखा हुआ है। जब आप नए सिरे से करना चाहते हैं तो बिल्कुल नया उसको शुमारा नंबर दीजिए, जिल्द 1 और शुमारा 1। यानी आप 6 शुमारे पिछले तो अपने हक में डाल लिए कि शुमारा छठा बना दिया और साथ में जिल्द 1 रखा। होना ये चाहिए कि जिल्द 1 और शुमारा 1 नए सिरे से अगर करना चाहते हैं, नहीं उसी पुराने रिवायत को आप बाकी रखना चाहते हैं तो फिर वो जैसी है वैसी ही इसमें होना चाहिए उस हिसाब से। दूसरी चीज, अगर आप इसकी वर्क गर्दानी करेंगे तो यहाँ पर हमारे
आगाज इस सुखद जो आपके सामने पढ़ रहे थे मोहतरम किशोर गोलारी साहब, जिनका मैं अदब एहतराम से नाम लूंगी, वो और या उन पर लिखे हुए मजामीन इसमें ज्यादा से ज्यादा होते तो उनकी जिंदगी में उनके फन पर उनकी शख्सियत पर जो कुछ लिखा गया। लेकिन ये क्यों नहीं है, शायद हो सकता है आइंदा आपको अजीमुद्दीन अजीम साहब के नंबर का इंतजार करना हो। तो मैं आज के दिन आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के इस मौके पर अपने चंद ख्यालात का इजहार करते हुए आज ये जो महफिल यहाँ पर मुनक्कद की है ये सदर अराकीन और इस कॉलेज के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें भी मुबारकबाद देती हूँ कि ऐसे इजलास हमारे दरमियान दरअसल हमारे जिंदा होने की दलील है। शुक्रिया।